ठीक है। तो यस सर, देखो आर टू माइनस आर वन ये क्या बता रहा है पोजीशन वेक्टर, जैसे हमने पीछे किया था भाई, आई कैप में, आई कैप यानी एक्स डायरेक्शन में कितना चला हूं एक्स टू, ऐसे ही जे डायरेक्शन में आर टू मतलब कितना चला हूं वाई टू, वाई टू, ऐसे ही के में कितना चला हूं जेड टू, ऐसे ही पॉइंट पी के लिए यानी आर वन के लिए आई में कितना चला हूं एक्स वन, एक्स वन, जे में कितना चला हूं वाई वन, वाई वन, एंड के में कितना चला हूं जेड वन। आर टू माइनस आर वन की जगह क्या लिख दूंगा, आर टू की जगह ये वैल्यू और R1 की जगह ऊपर वाली वैल्यू, तो इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R2 में से R1 को माइनस कर दिया, तो मैंने देखो अब माइनस कैसे किया, ध्यान रखना ये बात भी जरूरी है, मैंने R2 में से R1 को माइनस किया तो पहले R2 लिख लो, R2 क्या है X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, यही है यही है हाँ। yes, इसमें से माइनस किसको किया आर वन को, तो आर वन की वैल्यू लिखना एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ये पूरी चीज माइनस की है। अब इन दोनों को माइनस कैसे करेंगे सर, याद रखना सेम डायरेक्शन सेम में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, अगर दूसरा होगा तो उसको चेंज नहीं करूंगा, तो आई कैप में सिर्फ आई कैप को ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो ये क्या हो सकता है सर एक्स टू आई कैप माइनस x1 i cap, तो इसको सीधा ही लिख दूं क्या x2 minus x1 i cap को कॉमन लिख के ले सकता हूं, yes, yes, तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख रहा हूं x2 minus x1 आगे क्या लिख दूं कौन सा कैप i cap फिर प्लस अब क्या कर दूं सर minus y1 j cap, वेरी गुड, फिर क्या कर दूं सर minus z1 k cap, z2 minus ये देखो यही कम आ गई क्या, यस सर, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला विद द हेल्प ऑफ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला तुमने किसकी हेल्प से, क्या गिवन था तुम्हें दोनों का लेकिन इन दोनों का आर वन आर टू की हेल्प से निकाला है, मतलब क्या गिवन था पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर वन और आर टू क्या था पोजीशन वेक्टर, और एस क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में, आर वन और आर टू क्या है दोनों का ही लिखेंगे, आर वन क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, इसको कोई पॉइंट पी इसका कोई नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्यू दे देते हैं, और आर टू क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, और S क्या है इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैंने कुछ नहीं किया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, मैंने क्या किया R2 माइनस R1, समझ में आ रहा है क्या, डन है अब आई थिंक दिक्कत नहीं है दोनों के, यहां से तुम गए हो मैं P से Q पर गया हूं इसीलिए मैंने R2 माइनस R1 किया, P से Q पर गया हूं इसका मतलब P पॉइंट से Q पॉइंट पे गया हूं, तो मैंने फाइनल कहां पहुंचा हुआ हूं P पर या Q पर, Q पे, इसीलिए मैंने Q पोजीशन वेक्टर में से P वाला पोजीशन वेक्टर माइनस किया फाइनल में से इनिशियल यानी R2 है में से R1, अगर मैं Q से P पर जाता तो क्या करता R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर तुमको इस हिसाब से देखना है। चलो फिर अब ये है जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाउंड करो मूविंग फ्रॉम P टू Q, P से कहां गया हूं बच्चे मैं क्यू पे, क्यू है पता है कैसे फाइंड आउट करना है, ट्राई करो पहले दोनों के क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए, पहले दोनों का क्या पता होना चाहिए कौन सा वेक्टर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फिर फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या करोगे माइनस, तो पहले तो दोनों के पोजीशन वेक्टर लिखो, किस किस के पोजीशन वेक्टर लिखोगे पॉइंट पी का और पॉइंट क्यू का, क्यू का पहले पॉइंट पी का लिखो, सबसे पहले पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखो क्या आएगा वही एक्स में कितना चले वाई में कितना चले, वैसे देखो एक्स में पी का क्या आ रहा है पोजीशन वेक्टर, बहुत आसान है देखो देखो क्या चला है
सर वन आई कैप प्लस वन जे, वेरी गुड। पी के लिए क्या गया सर, वन तो आई कैप में चला हूं और वन ही किस में चला हूं, जे कैप में। तो पी का पोजीशन वेक्टर तो आ गया सर, आर वन लिख दू क्या, पी के पोजीशन आर वन ही लिखा हुआ सर। आर वन कितना हो जाएगा, वन आई कैप प्लस वन जे। किसी को दिक्कत? नो सर। हाँ बताओ, क्यू का बताओ। फोर आई कैप प्लस टू जे कैप। फोर तो चला हूं सर मैं कहां, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना चला हूं सर, ये कितना है, जीरो वन और ये टू, टू चला हूं सर। तो ये क्या हो जाएगा सर, आर टू फोर आई कैप प्लस टू जे कैप। तो आर वन की वैल्यू निकाल दी, आर टू निकाल दी। अब देखूंगा सर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। तुम देखो एरो देखो कहाँ है, पी से लेकर कहाँ गया हूँ, क्यू तक, और माइन गिवन भी है पार्टिकल कहाँ गया है, पी से क्यू। तो फाइनल किसका होगा सर, सर क्यू का, क्यू का। ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल मतलब कौन सा, कौन सी इसमें से माइनस करूं, आर टू माइनस आर वन, आर टू वेक्टर में से क्या माइनस कर दूं, आर वन, क्योंकि ये फाइनल वाला है, ये कैसा है इनिशियल वाला है। तो आर टू वाइज आर टू की वैल्यू लिखो, फोर आई कैप, आई कैप मैं उसी कलर में लिख देता हूँ ना, तभी तुम्हें दिक्कत ना हो, अच्छा ये कलर तो दिखेगा भी नहीं इसमें लाइट में। फोर आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस आर वन क्या है, तो आई में, आई में आई माइनस करोगे जे में जे, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा सर, थ्री आई कैप प्लस जे वन कैप, नहीं जे कैप वन प्लस वन, कोई बात नहीं प्लस वन जे कैप। किसी को कोई डाउट भाई, फोर में से वन माइनस किया और टू में से भी वन किया, क्योंकि फोर जैसे मैं एक्स कैप यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ऐसे लिखा है इसको मैंने, फोर आई कैप में से क्या माइनस किया है, वन आई कैप प्लस टू जे कैप में से क्या माइनस किया है, वन जे कैप, वन जे कैप, तो यही वैल्यू आ जाएगी। यस सर। बताओ किसी को कोई डाउट, नो सर, नो नो सर। देखो थ्री आई कैप प्लस वन जे कैप का यही आंसर आ रहा है, देख लो। यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं। अब इसने वेक्टर तो नहीं पूछा, पूरा वेक्टर तो नहीं पूछा, देखो लास्ट लाइन क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड निकालना तुमको आता है, पहले ही रिवाइज कर लिया हमने, क्या था मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, दोनों वेक्टर्स को कैसे करें मैग्नीट्यूड, स्क्वायर और अंडर रूट, तो स्क्वायर करेंगे तो थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के लिए। अगर सिर्फ पूछा होता ना वेक्टर तो मैं सिर्फ यही छोड़ देता सर, थ्री आई कैप प्लस वन जे कैप, क्योंकि वेक्टर तो यही है, लेकिन इसने क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो सर थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा मेरे को, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सबको पता है, अंडर रूट करके स्क्वायर, स्क्वायर करके अंडर, डन है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ट्वेल्थ के हर एक चैप्टर में, इलेवेंथ के आगे हर एक चैप्टर में यूज होगा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी से एसोसिएटेड होगी, ग्रेविटेशन में ये यूज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो फिर भी कई और भी चीजें आ जाएंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होगा ट्वेल्थ में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में यूज होगा, हर जगह यूज होगा बच्चे, हर जगह, अल्टरनेटिंग करंट में भी थोड़ा थोड़ा इसका यूज होगा, ठीक है। तो भी तो कोई दिक्कत है, नो सर, नो सर। अब आ जाते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर कुछ नहीं है, तुम कर चुके हो भी भाई, अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये था एक वेक्टर P पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, ये कितनी यूनिट है नहीं पता सर, ये यहां से यहां तक है मान लो पांच, यहां से यहां पे है मान लो चार। अगर मैं तुमसे पूछूं कि P वेक्टर के लिए मैं कितना गया हूं x में, और ऊपर कितना गया हूं, फोर, तो तुमने क्या किया एक्चुअल में, P वेक्टर एक वेक्टर दे रखा है, यहाँ तक O से लेकर P तक एक वेक्टर दे रखा है, तुमने मुझे बताया है कि मैं OP
जो ये वेक्टर है इसका कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ है सर एक्स के अंदर और कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ है वाई में। यही तो रेजोल्यूशन होता है, किसी वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूंगा, वो एक कंपोनेंट कौन सी तरफ होगा एक्स की तरफ, एक कंपोनेंट कौन सी तरफ होगा वाई की तरफ। अब इसकी हेल्प क्या है, तो पहली बात है बच्चे अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया ना यहाँ पर पांच है, यहाँ पर तुम्हें पांच गिवन ही नहीं होगा, यहाँ पर चार तुम्हें गिवन ही नहीं होगा, तुम्हें बस कह देंगे ओपी एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो तुम बताओ इसका एक्स एक्सिस में कितना कंट्रीब्यूशन है और वाई एक्सिस में कितना कंट्रीब्यूशन है। अब अभी गिवन होता तो यहाँ पर टू यहाँ पर फोर तो मैं बता देता ना टू आई कैप प्लस फोर जे कैप या फाइव आई कैप प्लस फोर जे कैप ऐसे लिख सकता था ना, अभी तक चलो यही लिख रहे थे। लेकिन अब थीटा गिवन है बच्चे, अब वो वैल्यूज हमें निकालनी है, वो ग्रीन वाली वैल्यूज समझ में आ रही है क्या निकालना है। तो वेक्टर कौन सा है ओ से लेकर कहां तक का वेक्टर गिवन है पी तक, पी तक का, तो एक ओपी वेक्टर है उस तक पहुंचने के लिए मैं एक्स में कितना चलूंगा और वाई में कितना चलूंगा, और इन अनदर वर्ड्स मैं बोलूं कि ओपी का कंट्रीब्यूशन एक्स में कितना है और वाई में कितना है, यही रेजोल्यूट हो रहा है वेक्टर मेरा दो कंपोनेंट्स में टूट गया, ओपी का कंपोनेंट एक्स में ओपी का कंपोनेंट वाई। अब ये कैसे निकालूंगा, तो अभी के लिए एक बार मान लूं अगर ओपी का कंट्रीब्यूशन एक्स में कितना है x, op का कंट्रीब्यूशन y में कितना है y, तो तुमको वैल्यू निकालनी है x की और y, समझ में आ रहा है क्या निकालना है सबको? Yes sir. और o से लेकर p तक की वैल्यू तुम्हें दे रखी है op, उसको क्या बोल दो, o से लेकर p तक को क्या बोल दो op, लेंथ दे रखी है o से लेकर p तक को बोल दिया op। अब बताओ कैसे निकालोगे, थोड़ा सा हिंट लो, ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है और मैंने एक रूल भी बताया हुआ है सर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर नाइदर चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड नॉर इट्स डायरेक्शन डायरेक्शन। तो ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ तक वाई है यहाँ तक एक्स है। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करोगे वाई और एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे आसान सा, और फिर इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कर देंगे कैसे वो बताऊंगा मैं, पहले फिलहाल ये सोचो कैसे निकाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो, तुम्हें लगता है ट्रिग्नोमेट्री आती थी ना सबको, सबने कहा था ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है, कहा था ना हाँ, तो बस दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरा जो मैंने तुम्हें रूल बताया अभी पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स नाइदर चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड नॉर इट्स डायरेक्शन, इसका मतलब वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करूंगा, बस जो ये समझ गया वो कर लेगा करो। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, वाई वेक्टर को राइट की तरफ पैरेलल शिफ्ट कर दो, पेन ले रखा है सबने नोटबुक और पेन, वाई वेक्टर को उठा के हाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या बन जाएगा एक पूरा, कैसी फिगर बन जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब पूरी फिगर का नाम क्या होगा, कैसा फिगर बनेगा ये, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें वाई तो क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और x क्या हो जाएगा बेस, बेस। तो अब क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकते थीटा की फॉर्म में, सर हमें लगा कि नंबर्स में आएगी, क्या आएगी सर, जैसे पहले तक आ रही थी पांच छह ऐसे वैसे, तो मेरे को लगा कि वैसे नहीं, नहीं थीटा की फॉर्म में आएगी, आंसर थीटा की फॉर्म में ही आएगा बच्चे, अभी तुम्हें पता लगेगा कैसे, नंबर्स की फॉर्म में तब आएगा जब मैं ओपी की जगह कोई नंबर दे दूं तुम्हें, चार छ आठ दस, अभी मैंने ओपी को ओपी ही बोला है ना, अभी थीटा की फॉर्म में निकालो एक्स की वैल्यू, कैसे निकालोगे कोशिश करो, बहुत आसान है, बताओ 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 थीटा की फॉर्म में एक्स की वैल्यू, y क्या है बच्चे इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, x क्या है बेस, op क्या है हाइपोटेन्यूज, op की फॉर्म में x निकाल दो, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, op की फॉर्म में x निकाल दो, पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लो, पाइथागोरस की जरूरत ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा कोई भी थीटा जो तुम यूज कर सकते हो, कॉस थीटा
करके बताओ फिर क्या आएगा x की वैल्यू, op की फॉर्म में x की वैल्यू निकाल दो, op हाइपोटेन्यूज है। सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, cos थीटा यूज करके बस थोड़ा सा और आगे करो। x अपॉन op क्या आएगा? cos थीटा। cos cos थीटा तो x क्या आ जाएगा? op into op into cos थीटा is equal to x। बात खत्म, आंसर खत्म। ओपी अगर चार दे रखा है तो क्या लिख दोगे? एक्स चार कोस थीटा। अगर ओपी पांच दे रखा है तो एक्स इज इक्वल टू फाइव कोस थीटा। थीटा की वैल्यू सिक्स दे रखी है तो एक्स इज इक्वल टू फाइव कोस सिक्सटी। सिक्सटी दे रखी है तो अगर समझ में आ रही है बात? यस सर। अच्छा ऐसे ही वाई की वैल्यू निकालनी हो ओपी की फॉर्म में तो क्या बताओगे? जैसे यहाँ पर एक्स अपॉन ओपी किया, वहां वाई अपॉन ओपी करके देख लो क्या फंक्शन बन रहा है। y upon op equal to sin theta। Very good Nisha, very good। y upon op क्या बन रहा है? कौन सा function? Perpendicular upon hypotenuse। कौन सा function? Sin theta। y क्या बन रहा है? op sin theta। तो ये x वाला component क्या हो जाएगा? op cos theta। और y वाला component क्या आ जाएगा? op op sin theta। समझ में आ रही है बात? Yes, yes, इसको भी समझ नहीं आई, अब मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, तुमने सही करा, वेरी गुड। जिसको भी, जो बच्चा शर्मा रहा है, जो पूछ नहीं रहा, उसके लिए है ये। देखो फटाफट भाई, मैंने क्या किया? पैरेलल शिफ्ट किया वेक्टर को। वेक्टर कौन सा सर? वाई वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो वो कुछ यहाँ आ जाएगा क्या? हाँ सर, ऐसा ही हो जाएगा। तो बेस हो गया सर हमारे पास एक्स, यहाँ पर लिख रहा हूँ, बेस हो गया हमारे पास एक्स, और हाई परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास वाई। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओपी। तो मेरे को वैल्यू निकालनी है वाई और एक्स की। जिसकी वैल्यू निकालनी है, चेक क्या ट्रिक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर रख दो एक्स, जिसकी फॉर्म में निकालनी है ओपी की फॉर्म में वो नीचे लिख दो, और देख लो कौन सा एंगल बन रहा है। एक्स अपॉन ओपी क्या बन रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा। एक्स का कंपोनेंट क्या आ गया? ओपी। ऐसे निकालनी है वाई ऊपर, किसकी फॉर्म में निकालनी है? ओपी। ओपी रखो नीचे, कौन सा कंपोनेंट बन गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनता है? साइन थीटा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? ओपी साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया ओपी को ओपी साइन थीटा, और बेस वाला कंपोनेंट आ गया ओपी कोस थीटा। यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है, दिख गया क्या सबको? अब जहां मैंने पी लिया है वहां ओपी की जगह इन्होंने ले लिया आर, तो ये वाला हो गया आर कोस थीटा, और परपेंडिकुलर वाला क्या हो गया? आर साइन थीटा। साइन दोनों सेम होंगे, ये आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा सेम है क्योंकि पैरेलल है, और पैरेलल में आंसर सेम रहता है ना। ऐसे इसका पैरेलल ये है, तो ये भी क्या हो गया? आर कोस थीटा। तो तुमको अगर ये भूलना भी है तो भूल जाओ, कंफ्यूज मत होना इससे। ये तो सिर्फ तुम्हें बताने के लिए लिखा हुआ कि पैरेलल में कोई चेंज नहीं होता, तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। समझ में आ रही है? यस सर। अब देख लो, अब दिख रहा होगा साहब, ओपी के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं आर वेक्टर के। एक वेक्टर दे रखा है आर, इसका दो कंपोनेंट, जो बेस में है उसका कंपोनेंट क्या है? आर कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है? आर साइन थीटा। डन है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में ये कैसे, ये ड्रॉ ड्राइव किया हुआ है। अब हमें पता लग गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है करने की, अभी मैं इसको बता भी दूंगा फिलहाल। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी तक तुमको ये दे रखा था बच्चे, ये था आर वेक्टर है ना, और ये क्या था? थीटा। तो तुमने यहाँ पर एंगल लिख दिया, यहाँ पर क्या आ गया? आर आर कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ गया? आर आर साइन थीटा। अब देखना, मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ये है आर, चेंज नहीं कर रहा। चलो तुम बताना मेरे को थोड़ा सा आंसर, है ना, अगर तुमने कर लिया हो तो, जिसने समझ के किया होगा वो सही बताएगा। ये क्या होगा? और आर साइन थीटा। ऊपर वाला क्या होगा और नीचे वाला क्या होगा? बेस वाला कंपोनेंट क्या होगा? एक्स वाला और वाई वाला। आर साइन थीटा। कौन सा होगा आर साइन थीटा? सर एक्स वाला।
एक्स वाला क्या होगा अब आर साइन थीटा और वाई वाला क्या होगा आर कॉस थीटा। देखो ये चीज कितनी आसानी से समझ में आ गई ना समझ सबको क्या क्योंकि सर अब वाई को मैंने पैरेलल शिफ्ट करूंगा जब तो मेरा बेस क्या है वाई। अब मैं एक्स को पैरेलल शिफ्ट भी तो कर सकता हूँ एक्स को कर दो तुम। अब एक्स मेरा क्या है परपेंडिकुलर है या बेस है ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में देखो एक्स मेरा परपेंडिकुलर है या बेस है बताओ कैसे पता परपेंडिकुलर है कौन बेस है थीटा किसके साथ लग रहा है सर वाई के साथ तो वाई क्या है मेरा बेस बेस है और एक्स क्या है मेरा परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं एक्स अपॉन में हाइपोटन्यूज यानी आर करूं तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज कर रहा हूं तो वो क्या होता है साइन एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आर साइन थीटा। ऐसे ही अब वाई बेस है तो वाई अपॉन आर क्या वाई क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। वैल्यू चेंज हो गई वैल्यू चेंज हो गई ये बात समझ में आ रही है ना कब आर कॉस थीटा हो रहा है कब आर साइन थीटा हो रहा है Yes. है ना बट यही बात बच्चों को समझने में ट्वेल्थ तक कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आती तो तुम अभी समझो। और इसकी ट्रिक क्या है सर ट्रिक ये है देखो कोई ट्रिक बता सकता है कब कोस थीटा कौन सा होगा देखते ही पता लग रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसको हटा दूं कंफ्यूज जब किसके साथ हो के साथ थीटा हाँ जिसके साथ थीटा है जिसके साथ थीटा है वो वाला कंपोनेंट कौन सा आ रहा है बेस बेस कोस वाले अभी थीटा वर्टिकल के साथ है तो वर्टिकल कोस थीटा थीटा इसके साथ है तो ये कोस थीटा समझ में आ रहा है जिसके साथ क्या लिख दूं जिसके साथ थीटा थीटा हो वो क्या होगा कोस थीटा कोस थीटा कोस कंपोनेंट क्लियर है क्या Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो बचाओ। अब याद रखना ये जो x कंपोनेंट है और ये जो y कंपोनेंट है ये आपस में कैसे हैं राइट एंगल 90 डिग्री राइट एंगल हमेशा याद रखना x एंड y कंपोनेंट आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो अगर एक कंपोनेंट जहां पर भी है दूसरा कंपोनेंट उसके कितने डिग्री पर होगा 90. ये बहुत 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 जरूरी चीज है बच्चे रेजोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि दो कंपोनेंट जब रिजोल्व करोगे तो एक कंपोनेंट दूसरे के क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है इसका एग्जांपल भी लेंगे अभी फिलहाल यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो हल्का सा उसके बाद थोड़ा सा और करेंगे। अ चाइल्ड पुल्स अ रोप टू अ स्टोन विद अ फोर्स ऑफ कितने न्यूटन 60 न्यूटन। ठीक है एक स्टोन अटैच है इसको एक चाइल्ड रोप से अटैच्ड है इसको एक चाइल्ड क्या कर रहा है खींच रहा है सर इसको एक चाइल्ड क्या कर रहा है अपनी तरफ खींच रहा है सर तो कितनी फोर्स से खींच रहा है सर 60 न्यूटन। बट अभी तक तो ये बना देता मैं लेकिन अब इसने एक हिंट एक चीज दे दी क्या सर द रोप मेक्स। अब मैं क्यों ऐसा दो फिगर बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए छोटी फिगर से समझोगे काइनेमेटिक्स में वेक्टर्स में कभी भी बिना फिगर बनाए काम नहीं होगा तो अभी फिगर बनाना नहीं समझो अभी तक तो मैं फिगर ऐसे बनाता लेकिन अब क्या बोल रहा है वो द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अभी तक ग्राउंड पे ही था लेकिन अब क्या कह रहा है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। अब सर अब इसका मतलब ये अगर रोप है तो ये क्या है मेरा ग्राउंड है और ये कितने एंगल पर है 60 डिग्री। तो अब चाइल्ड कैसे खींच रहा होगा सर इस रोप को कोई समझ सकता है? हाँ सर चाइल्ड ऐसे खड़ा होगा और कंधे के सहारे इस रोप को अपनी तरफ खींच रहा होगा समझ रहे हो ऐसे जैसे हम टांगा खींच के जाते हैं समझ रहे हो। हाँ तो वो 60 डिग्री से खींच रहा है यहाँ पर एक स्टोन बंधा हुआ है सर क्लियर है। अब बताओ मेरे को 60 डिग्री से खींच रहा है तो फोर्स इसकी कहाँ लग रही है सर कहाँ से खींच रहा है ऊपर से 60 डिग्री से फोर्स लगा रहा है ना तो ये फोर्स लग रही होगी कितने एंगल पर है फोर्स 60 डिग्री। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं फोर्स ऐसे लग रही है जो कि कितने एंगल पर है 60 डिग्री पर है तो बताओ फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी होगी। अरे सर इस डायरेक्शन में कितनी होगी कौन बताएगा
सोचो, अभी बता चुके हैं आंसर, बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? दिमाग लगाओ, फोर्स कहाँ लग रही है सर? यहां लग रही है। कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। हॉरिजॉन्टल पे क्या कंपोनेंट आएगा? वेरी गुड, कंपोनेंट होंगे एक तो ये रेड वाली की तरफ, वेरी गुड, और दूसरा कहाँ होगा इसे? बिल्कुल रेड वाले कितने एंगल पर दूसरा कंपोनेंट? 90 डिग्री पर, रेड वाले से 90 डिग्री पे करो। तो ये हो गई वाई डायरेक्शन में और ये होगी एक्स, इसने हॉरिजॉन्टल में पूछा है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ इनटू कोस थीटा। कोस, बोलो बोलो जोर से बोलो, कोस कोस 60। तो एफ तो ठीक है, कोस 60 कितना है? 1 बाय कोस 60 क्या होता है? 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? एफ बाय 2। और f की वैल्यू कितनी गिवन है? 60 तो 60/2 कितना आ गया? 30। तो ऑप्शन नंबर 4 डी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। फिगर बनाते ही आंसर 60 नहीं होता है क्या? कह रहे हो फोर्स वाला 60 है, मतलब ऐसा बोल रहे हो क्या? कुछ ये जो F है ना, ये जो F, ये कितनी दे रखी है? 60। तो 60 का कितना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है? F cos 60, यानी F की जगह पुट करो 60, cos 60 की जगह 1/2, तो 60/2 कितना हो गया? 30। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। जो तो दिक्कत थी वो दोबारा पूछ लो मेरे को, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका तो दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना ये कितने डिग्री पे है अगला 90। अगर पूछता वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी फोर्स है तो क्या आंसर आता? वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी फोर्स आती तो कोई बता सकता है? हॉरिजॉन्टल में तो बता दिया तुमने, कॉस की जगह साइन हो जाता। वेरी गुड, वेरी गुड त्रिशा। एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाती? एफ साइन 30। तो उसकी वैल्यू हो क्या जाती, बता सकता है कोई? साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 लिखेंगे ना बच्चे, क्योंकि 60 एंगल। साइन 60 कितना होता है? रूट 3/2। तो यानी एफ की जगह तो क्या है? 60। तो 60 इंटू रूट 3/2 यानी कितना हो गया? 30√3। लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, लेकिन आंसर इसका यही आएगा। क्लियर है? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में पूछा। तो एफ तो हो गई इसकी नेट वैल्यू, उसका एक्स में कंट्रीब्यूशन कितना है? 30। और वाई में कंट्रीब्यूशन कितना है? 30√3। डन है? यस सर। को कुछ भी डाउट yes, है तो वो पूछ सकता है बच्चे, कोई शर्म की बात नहीं है। किसी को हल्का सा भी कुछ पूछना है तो वो पूछ लो। चले आगे। थर्टी रूट थ्री का एक बार स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? 900 × 3 ऐसे 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। ये कितना बन गया? 3600 क्या? अभी चेक करते हैं एक चीज, ये कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में है बच्चे? 30√3 वाई में या एक्स में? वाई। y में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30√3 j कैप। yes, sir. Yes, ये कंपोनेंट कौन से में है? x। तो इसको लिख सकता हूँ 30 i कैप। तो इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करके, स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर हो गया 900, इसका हो गया 30√3 का 2700। इनका अंडर रूट करके आंसर बताना क्या आएगा? 3600। क्या आएगा अंडर रूट करोगे तो? 60। यानी नेट वैल्यू आ रही है 60। तो जो वेक्टर की वैल्यू थी 60, क्या वो 60 नहीं है? यस सर। तो इसी को तो हमने रिजोल्व किया, यानी 60 न्यूटन जो कि तुम यहाँ पर थी, उसको तुमने कैसे लिख सकते हो? 30 i कैप + 30√3 j कैप। समझ में आ रही है बात, जो हम अभी तक करते आ रहे थे? अगर तुम्हें ऐसा दे रखा होता, ये वेक्टर है, तुम्हें यहां से एक्स तक कितनी वैल्यू दे रखी है?
30 और ऊपर कितनी दे रखी है 30√3। ये एक्चुअल में था जो हम करते थे अभी तक। तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर पूछा होता था तुम आसानी से लिख देते थे ना, क्या लिखते थे अगर इसको देख के कर दोगे तो 30i कैप + 30√3 बट अब उसने ऐसा नहीं किया था, उसने क्या किया था, उसने ये तो दे दिया लेकिन यहाँ पर ये 30 और 30√3 दे रखा था, एंगल दे दिया इसकी जगह कितना 60 डिग्री और इस पूरे की वैल्यू दे दी कितनी 60 न्यूटन। तो तुमने ये चीज x वाला कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट अपने आप निकाला जिसकी वैल्यू आई 30 और यहां पर आई 30√3। समझ में आ रही है तुम क्या सोल्व कर रहे हो? कई बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता शुरू शुरू में, पर अब तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या सोल्व कर रहे हो, कैसे सोल्व कर रहे हो? फिगर बनानी बहुत जरूरी है सबसे पहली बात, उसके बाद चलेंगे आगे। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट? डन? Yes, sir. ये देखो आंसर आ गया इसका 30 न्यूटन। ये होमवर्क एक बार घर से करके आओगे क्या? Yes, sir. ये तो मैंने एक सेकंड ये क्वेश्चन है इसका, हाँ आंसर ये दे रखा बच्चे, ठीक है मैं थोड़ा सा, ये आंसर है इसका पिछले वाले, अब जो मैंने बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है, इसको रिजोल्व करके आना है तुमने। रिजोल्व तो नहीं करना, तुम सिर्फ इसका यूनिट वेक्टर लिखना। क्या लिखोगे? यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? एक का मैं बता देता हूँ तुम्हें, जैसे 15 का है, 15 का यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? 15 अलग से बना लो, 15 है ये, इसको x के साथ तो नहीं दे रखा, इसका y के साथ कितना एंगल दे रखा है? 30 डिग्री। तो अब बता सकते हो ये कंपोनेंट कितना होगा और ये कंपोनेंट कितना होगा? फटाफट बता दो, ये वाला नीचे वाला कंपोनेंट cos हो जाएगा और नीचे x पे sin। वेरी गुड, तो क्या लिखूं? 15 cos 30 और नीचे क्या लिखूं? 15 cos 30। मत भूल जाना, अभी बच्चे क्या करते हैं ये लर्न कर लेते हैं और सीधा लिखाएंगे cos 30 और sin 30। 15 को मल्टीप्लाई भी करना है तो 15 cos 30 क्या होगा? cos 30 कितना होता है और sin 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 15√3/2 और ये कितना हो जाएगा सर? 15। sin 30 क्या होता है? 1/2। अब इसको x और y की फॉर्म में लिख दो, y में कितना है ये, x में कितना है? 15/2 i cap plus i cap 15√3/2 j cap। और इसको और सिंपलीफाई करना हो तो 15/2 को कर दो, क्या लिखोगे? 7.5 i cap, ऐसे यहाँ पर 7.5√3 √3 j cap। तो ये हो गया वेक्टर b का यूनिट वेक्टर, समझ रहे हो? वेक्टर b को तुमने रिजोल्व करके इसका यूनिट वेक्टर लिख दिया, i cap में कितना है, j cap में कितना है। ऐसे ही तुम क्या वेक्टर d का लिख पाओगे, ऐसे ही क्या वेक्टर c का लिख पाओगे, ऐसे ही क्या वेक्टर a का लिख पाओगे आराम से। अच्छा वेक्टर a बहुत आसान है, वेक्टर ए में तो रिजोल्व भी नहीं करना, वेक्टर ए का तो अभी बता सकते हो क्या आएगा? वेक्टर ए का क्या लिखोगे? देखो वेक्टर ए ओ से लेकर, पोजीशन वेक्टर बताना ना, ओ से लेकर ए तक जाने के लिए तुम्हें कहाँ चलना पड़ रहा है? कहीं और जाना पड़ रहा है? नहीं ना, तो इसका तो रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा ए का, सीधा बता दो, 8 कौन सा कैप? जे कैप, सिर्फ सिर्फ जे कैप, माइनस जे जा रहे हाँ, क्लियर है क्या? 8 माइनस ए कैप या माइनस 8 जे कैप, दोनों बात सेम है। तो जब तक अगर तुम x में ही जा रहे हो या सिर्फ y में जा रहे हो तो कंट्रीब्यूशन x में जीरो ही है ना, अगर सिर्फ y में जा रहे हो तो x में कितना चल रहे हो बताना? जीरो। अगर सिर्फ x में जा रहे हो तो y में कितना चल रहे हो? जीरो। तो जब y में चलोगे तो x का कंट्रीब्यूशन जीरो है, तो यहाँ पर सिर्फ y में चल रहे थे तो x में तो चल नहीं रहे, तो x का कंट्रीब्यूशन जीरो, तो यहाँ पर तुम लिखना चाहो तो लिख दो प्लस जीरो i cap। ऐसे ही अगर तुम सिर्फ x में जा रहे होते, सपोज कर लो ये होता, तो सिर्फ मान लो यहाँ से चले हो तुम, मतलब ओरिजिन से सपोज कर लो यहाँ चले हो, ये ओरिजिन है, यहाँ से चले हो 5,
तो क्या लिखोगे सिर्फ फाइव आई कैप प्लस जीरो जब तक तुम अगर सिंगल डायरेक्शन में चल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब डब प्लेन में चल रहे हो, इसको बोलते हैं प्लेन में कि एक्स में भी जा रहे हो और वाई में भी जा रहे हो, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, चीजों का रिजोल्व करना पड़ेगा, वेक्टर को रिजोल्व करना पड़ेगा। और वो रिजोल्व कैसे करते हैं, तुम्हें ट्रिक भी पता चल गया, डेरिवेशन भी पता चल गई, जो एंगल आएगा वो कोस कंपोनेंट, जो एंगल के परपेंडिकुलर वाला होगा वो क्या होगा, साइन। साइन तो दो की है, दोनों का आंसर चेक कर लो। तो एक का तो आ गया देखो माइनस एट जे कैप, इन्होंने ए को रिप्रेजेंट किया पहले, तो देखो क्या आया माइनस एट जे कैप, क्या यही आया था हमारा, देख लो। और दूसरा क्या था, बी का, बी का 7.5, तो देख लो यही आ रहा है क्या, किसी को कोई डाउट, हमने रूट थ्री की वैल्यू पुट नहीं करी ना, इन्होंने वैल्यू पुट कर दी बस, और कोई फर्क नहीं आया, ठीक है, किसी को कोई डाउट, आज के लिए इतना ही करेंगे बेटे, फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है तो वो पूछ सकता है, डन, चलो, यस सर, ठीक है बच्चे, अब ये रिजोल्व करके आना, ये दो होमवर्क तो ये हो गए, और तीसरा होमवर्क ये है, ये सारे रिजोल्यूशन पर है, हालांकि मैं एक्स्ट्रा भी लाया था तुम्हारे लिए, हम चाहते थे ये करते, ये मैं तुम्हें रिजोल्व कराना, अब देखो एक्स और वाई चेंज हो गए हैं यहाँ पर, दिख रहा है कैसा कॉम्प्लिकेट हो गया चीजें, ये 35 हो गया, ये 40 हो गया, आप कंफ्यूज हो गए ना कि x कहाँ आएगा y कहाँ आएगा, देख रहे हो, अब ये वेक्टर a है, ऐसे ये वेक्टर a है, इसको रिजोल्व करो कैसे करोगे, ऐसे ही वेक्टर a ये हो गया, अब देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेट हो गया ये, और ये ऐसे ही वेक्टर a ये हो जाए, वेक्टर a अब ये हो जाए, तो कैसे रिजोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हम थोड़े से ये क्वेश्चन जो है ये जेई लेवल के हैं, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इनको किसी क्वेश्चंस के साथ लिंक करके पूछेंगे, जैसे ये जो लास्ट वाला है ये लॉज ऑफ मोशन का है, इसका है लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में तुमको हर दूसरे क्वेश्चन को तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा, चार क्वेश्चन के बाद हर क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा तुम्हें कि ये वाला कंपोनेंट को रिजोल्व करना पड़ेगा एक्स में और वाई में, अभी तक एक्स को ये बोलते थे वाई को ये बोलते थे ना, एक्सिस को ही रोटेट 90 डिग्री, तो एक्स को 90 डिग्री रोटेट करोगे, 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा 45 डिग्री रोटेट करोगे तो एक्स थोड़ा टेढ़ा नहीं हो जाएगा, बताओ, yes, तो yes, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, yes, और वाई भी थोड़ी सी रोटेट हो जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी वाई एक्सिस, तो अब इस एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे रिजोल्व करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा, ट्रिक से हो जाएगा सारा, बट फिलहाल समझ में आ गया ये चीजें जितनी हमने की हैं, ये हम लास्ट में करेंगे, ट्राई कर सकते हो तो जरूर करके आना ये सब, ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो होमवर्क हो जाएगा, तो ये तीन क्वेश्चन तो पक्का करके आना, ये तुम्हारे ऊपर है, जो बच्चा ट्राई कर देगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद की हम देखो ये क्वेश्चन में मैंने लॉज ऑफ मोशन में डाल रखा है, ये क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में मिलते हैं, ऐसे इसको रिजोल्व करना, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद रिजल्टेंट निकालना सीखें, आज के लिए इतना ही करेंगे, किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, कर दें एंड क्लास, अगर डाउट नहीं है तो, अगर ये फोर, अगर ये फोर्स हो तो इसका थीटा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कैसा आएगा, एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, एफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, I cap को मतलब एक को स्क्वायर करके दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके क्या कर दो, अंडर रूट, अंडर रूट, और बाकी हमने यूनिट वेक्टर्स लिखने सीख लिए हैं सबके, यूनिट वेक्टर्स लिखने आ गए तुम्हें, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का डिफरेंस पता चल गया, ये कहां से हुआ सर, ओरिजिन से, और ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, तो हमने रिवाइज कर लिया, कोई बात, ठीक है बच्चे आज इतना ही करेंगे, थैंक यू एवरीवन, किसी को good night sir, good bye night, sir, good night, night, good night, good night, bye bye.